सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको चार सीक्रेट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने चैनल को बहुत स्पीड से ग्रो कर सकते हैं और अपनी वीडियोस पे व्यूज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट सेटिंग बताने जा रहा हूँ जो कि आपको वीडियो के बीच में मिलेगी, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा वरना आप वो सेटिंग नहीं देख पाएंगे। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी वीडियो के जो थंबनेल है उसको सही बनाना होता है। काफी सारे लोग अपना कंटेंट अच्छा बनाते हैं, वीडियो अच्छी बनाते हैं, लेकिन वो अपनी वीडियो के थंबनेल को अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको उस थंबनेल को कैसा करना है जिससे आपकी वीडियोस पे व्यू बढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपका जो थंबनेल है उसको आपको अट्रैक्टिव बनाना है। बहुत से लोग ये करते हैं कि अपने थंबनेल को वीडियो के बीच से ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं करना है। आपको अपना थंबनेल अलग से बनाना है और वो भी बहुत अट्रैक्टिव बनाना है जिससे लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करें और आपकी वीडियो का क्लिक थ्रू इंप्रेशन बढ़ जाए। तो उसके बढ़ने से क्या होता है, YouTube आपकी वीडियो को और जगह पे भी दिखाता है, तो YouTube को ये लगता है कि आपकी वीडियो अच्छी बन रही है और लोग आपकी वीडियोस को देखना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी वीडियोस का थंबनेल अच्छा बनाना होगा, अट्रैक्टिव। उसमें आपको अपनी वीडियो का थोड़ा सा बीच का भी आप दिखा सकते हैं जिससे थोड़ा आपका थंबनेल अट्रैक्टिव लगे। तो गाइस, तो जो आप दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं वो आप ये करते हैं कि आप अपनी वीडियो का जो टाइटल होता है उसको आप अपने हिसाब से लिख देते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो लिख देते हैं, तो आपको लगता है कि उससे आपकी व्यूज बढ़ेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए SEO स्कोर चेक करना पड़ेगा अपनी वीडियोस का। जितना अच्छा SEO स्कोर होगा उतनी ज्यादा आपकी वीडियो वायरल होगी। तो आपको SEO स्कोर चेक कैसे करना है, आपको प्ले स्टोर में जाके ट्यूबबडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद एप्लीकेशन को खोलने के बाद आपको साइड में एक 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करना है। फिर वहां पर जाके आपको कीवर्ड एक्सप्लोरर दिखाई देगा, आपको उसे खोलना है और वहां पर आपको अपनी वीडियो का कीवर्ड एक्सप्लोर करना है, ढूंढना है अपनी वीडियो का कीवर्ड। तो आप, जैसे मैं टेक्निकल वीडियोस बनाता हूं तो फिर मैं सर्च करूंगा, जैसे मैंने टेक्निकली सर्च कर लिया तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सब दिख रहा होगा उसका कि कितना कॉम्पिटिशन है वीडियोस पे, कितना सर्चिंग है, ये सब आपको दिख रहा होगा। तो आपको अपनी वीडियो का SEO स्कोर 80 से 90 रखना है और 100 चला गया तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा SEO स्कोर रखना है। उससे क्या होगा, आपकी वीडियो बहुत स्पीड से वायरल होगी और आपकी वीडियो टॉप पे भी आएगी वीडियोस में। तो गाइस, तो जो आप अपनी वीडियोस में तीसरी गलती करते हैं वो आप ये करते हैं कि आप अपनी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो आप अपने हिसाब से लिख देते हैं। आप उसमें टैग्स ऊपर नीचे लगा देते हैं, कुछ भी अलग वगैरह लगा देते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि अब आपकी वीडियोस टैग्स से वायरल नहीं होती हैं। अब YouTube आपकी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन से वायरल करता है। अब आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला जो काम करना है वो आपको ये करना है कि उसमें आपको जो आपकी वीडियो का आपने टाइटल लिखा होगा उसे आपको अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है जिससे आपकी वीडियो थोड़ी ऊपर आएगी। उसके बाद आपको अपनी वीडियो के बारे में लिखना है सब कुछ आपके डिस्क्रिप्शन में, और सबसे नीचे फिर आपको अपने डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो से रिलेटेड टैग्स लगाने हैं। उससे अलग नहीं लगाने, अपनी वीडियो से रिलेटेड टैग्स लगाने हैं जिससे आपकी वीडियो ऊपर आए। अगर आप कुछ भी उल्टे सीधे टैग लगाते हैं तो फिर आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, YouTube आपकी वीडियोस को नहीं बढ़ाएगा। और गाइस, जो आप अपनी वीडियोस में चौथी गलती करते हैं वो आप ये करते हैं, जो आप YouTube स्टूडियो में जाकर टैग्स वाले ऑप्शन में टैग लगाते हैं वो आप कोई भी वायरल टैग लगाते हैं। जैसे आपने किसी भी हाई लेवल के यूट्यूबर की वीडियो देखी, फिर आपने उसके जो टैग्स देखे उन्हें कॉपी करके अपने टैग्स में पेस्ट कर दिया, तो आपको ये नहीं करना है। इससे भी आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। आपको खुद अपने टैग्स ढूंढने हैं अपनी वीडियो से रिलेटेड हाई रैंकिंग वाले, तभी आपकी वीडियो वायरल होगी। तो आपको किसी का भी टैग पेस्ट नहीं करना है, अपने हिसाब से आप अपनी वीडियो से रिलेटेड बढ़िया टैग ढूंढिए, अच्छे स्कोरिंग वाले टैग ढूंढिए, जो मैंने आपको ट्यूब बड़ी वाली बताई थी उससे अच्छे टैग ढूंढिए। और आप चाहे तो आप गूगल बार्ड से भी टैग्स पूछ सकते हैं, वो भी आपको टैग बता देगा। और गाइस, ये सब करने के बाद आपको YT स्टूडियो की सेटिंग्स में आ जाना है। तो गाइस, आप अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं या लैपटॉप में भी खोल सकते हैं। तो मोबाइल में खोलने के लिए आपको क्या करना है, तो गाइस आपको क्रोम पे जाना है, उसके बाद आपको वहां पर यूट्यूब सर्च करना है और उसे आपको डेस्कटॉप साइट में खोल लेना है। फिर आपको वहां से स्टूडियो में जाना है। स्टूडियो में जाने के बाद आपको स्टूडियो में कुछ सेटिंग्स करनी होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी आज की सीक्रेट टिप है। तो गाइस, आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में सबसे नीचे सेटिंग्स दिखाई दे रही होगी स्टूडियो में, उसमें आपको चले जाना है। उसमें जाने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर आपके चैनल के टैग्स का दिख रहा होगा, तो उसमें जाकर आपको अपने चैनल का सब दिख जाएगा। वहां पे आपको एक डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, उसमें जाकर आपको अपने चैनल के बारे में टैग्स ऐड कर देने हैं, अपने चैनल के बारे में मेन टैग ऐड कर देने, जो आपका चैनल का नाम है वो वहां पे ऐड कर देना आपको। तो आप जितने ज्यादा टैग लगा सकते हैं वहां पे आप मतलब पूरी लिमिट फुल कर दीजिए उसके टैग की, तो उससे आपका चैनल भी ऊपर आ जाएगा और गाइज इससे भी आपके व्यूज बढ़ेंगे। और नीचे आपको एक वीडियो में टैग लगाने का दिख रहा होगा, उससे क्या है कि जो आप कुछ टैग्स फिक्स कर सकते हैं, जैसे अपने चैनल का नाम फिक्स कर लिया और कुछ आपने टैग्स फिक्स कर लिए, तो वो टैग्स आपके परमानेंट हर वीडियो में ऑटोमेटिकली पेस्ट होके आ जाएंगे।
और गाइज आपको रैंकिंग टैग्स भी चेक करने के लिए आपको ट्यूब बडी का यूज करना होगा। तो रैंकिंग टैग आप कैसे चेक कर सकते हैं, रैंकिंग टैग आपको चेक करने के लिए सबसे पहले लैपटॉप में ट्यूब बडी खोलना है। उसके बाद आपको जब आप वीडियोस के नीचे टैग्स में जाएंगे जो आपने लगा रखे हैं उन्हें देखेंगे, तो थोड़ी देर बाद ट्यूब बडी अपने आप ही बताएगा आपको कि आपका कौन सा टैग कौन से नंबर पर रैंक कर रहा है। तो आपको कम से कम 5 रैंकिंग टैग रखने होते हैं अपनी वीडियो में, तो आप अपनी वीडियो में 5 रैंकिंग टैग रखेंगे तो आपकी वीडियो का स्कोर काफी हाई हो जाएगा और वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसी ही और मजेदार टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम इसका पार्ट 2 भी जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।